नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में। ये धरती नायाब चीज़ों से ऐसी भरी पड़ी है कि कभी कभी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती है जिन पर यकीन करना तो दूर, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, इस संसार में न जाने कितनी प्रजातियाँ रहती हैं और हर प्रजाति में कुछ ना कुछ तो खासियत होती है। उसी खासियत के बारे में मैं आज कुछ आपको इसके डेमो भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अस विंगर बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, ये ऐसी बटरफ्लाई है जिसे आप आर पार आसानी से देख सकते हैं, और जब ये फूलों पर बैठती है तो इतने ज़्यादा सुंदर दिखती है कि आपका मन ही कुछ और बोलेगा। फ्रेंड्स, प्रकाश कम का संयोजन कर पाने के कारण ही इसके पंख जो होते हैं उससे पारदर्शी बना देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। दूसरा यहाँ पर हमारा है जेमिनाइल शार्पर इनऑब्सक्योर। फ्रेंड्स, ये भी सबसे ज़्यादा ये जीव ऐसा है कि जो पानी में रहता है और पानी में ऐसा मतलब पारदर्शी हो जाता है कि आप इसे अपने साफ पानी में तो देख ही नहीं सकते। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में बताऊँ तो इसकी जो ऑर्गन्स होती है वो साफ साफ दिखाई देते हैं, और ये समुद्र में 200 से लेकर 1000 फीट तक गहराई में पाए जाते हैं। तीसरी है जो यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, ट्रांसपेरेंट जुविनाइल सरगोन फिश। ऐसा नाम है यार, पर जो भी हो, ये मछलियाँ बहुत से लोगों के घरों में सजावट के तौर पे लाया जाता है, और लाने के बाद इसके ज़्यादातर इसकी खासियत आपको इस वीडियो में दिखेगी। आप इस वीडियो में यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो मछली है वो ट्रांसपेरेंट इतनी ज़्यादा है कि ये पानी में तो दिखती नहीं। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई बता दूं तो 30 सेंटीमीटर तक ये बड़ी हो सकती है। चौथा यहाँ पर है हमारा माइक्रोपिना माइक्रोस्टोमा। कैसा नाम है यार ये भी, खैर जो भी हो, धरती पर मछलियों की यही ऐसी प्रजाति मछली है जो ओपिस्थोप्रोक्टिडाइस का परिवार की है। ये काफी खास आकार की होती है जिसके सिर पर आपको गुंबद देखने को मिलेगा और आंखें लैस की भांति प्रतीत होती है। नेक्स्ट वाला है हमारा ट्रांसक्यूलेंट पैराहॉर्स एंट्स। ओ, ये कैसी एंट्स है? यहाँ पर आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि ये एंट्स जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। महज 2 मिलीमीटर के आकार की ये चींटियाँ पीली या हल्के भूरे रंगों की होती है। ये जिस रंग का भोजन ग्रहण करती है इनके शरीर के अंदर वैसा ही रंग दिखने को मिलता है। ये विश्व की कई ऐसे हिस्सों में दिखाई देती है जो बहुत ही हमें मतलब आकर्षक बना देती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है टॉर्टोइस शेल बीटल। इसको भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस खास बीटल का पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि इसके कवच का एक खास हिस्सा ही ट्रांसपेरेंस होता है। ये अपने इस खास काबिलियत से शिकारियों से झसक कर देता है, यानी कि चकमा दे जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यूरोपियन एल। क्या? यूरोपियन एल। यस, अपने जीवन काल में कई दफा रंग बदलता है, और रंगीन होने से पहले ये अपने शरीर को भूरे रंग का बना देती है। क्या? भूरे रंग का। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो इन्हें सिल्वर एल कहते हैं। दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं सीथ्रॉट फ्रॉग। ये कैसी खास प्रजाति की है जो मेंढक की है, और जिन्हें हाइपोरेलियस लियोपॉन्टेनियस कहा जाता है, और ये ज्यादातर रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाए जाते हैं। एक समय में माना जा रहा था कि ये विलुप्त हो गए, लेकिन 2011 में ये फिर दिख गए। जुविनाइल ऑक्टोपस। ओ भाई, इसका तो सर यार सांप की तरह दिख रहा है। ये ऑक्टोपस महज 2 सेंटीमीटर का होता है, और इसके भीतरी अंग बाहर से ही दिख जाते हैं, और सबसे पहले इसे तहिती के तट पर देखा गया थे। नेक्स्ट देखते हैं मैंट बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, बटरफ्लाई के नाम से ही आप जानते होंगे कि इसके पंख कैसे होंगे। सबसे पहले मैंने इसी बात का गौर किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसके पंख से होकर बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार हो पाता है, और अपनी इसी खासियत के कारण ये पारदर्शी हो जाती है, मतलब देख आप। That's गजब, राइट?
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ नई नई जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बाजू में जो बेल आइकन आए उसको भी ऑन कर देना। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको एक घंटी की बजा देगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाली भी वीडियो भी देख लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।